आपने तो 2014 से पहले के दो दिन देखे हैं। आपने मुझे अपना बेटा समझकर आशीर्वाद दिया। मैंने भी ठान लिया कि पीढ़ियों से जो आपको समस्याएं आ रही हैं, उन्हें आप पूरे करके ही रहूंगा। इसलिए हम जन्म से लेकर उम्र के आखिरी पड़ाव तक महिलाओं के हर चुनौती को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए हमने मातृ वंदना योजना चलाई। महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजने शुरू किए। शिशु का जन्म अस्पताल में हो, इसके लिए भी अभियान चलाया। बेटी को कोख में ही ना समाप्त कर दिया जाए, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलन शुरू किए। बेटी जब बड़ी होकर स्कूल जाने लगे तो शौचालय ना होने की वजह से स्कूल ना छोड़े, इसके लिए करोड़ों शौचालय बनाए। बेटी की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत इतना ज्यादा ब्याज दिया। बेटी बड़ी होकर कुछ अपना काम कर सके, इसके लिए बिना गारंटी मांगे लोन देने वाली मुद्रा योजना हमने शुरू की। बेटी अगर सैनिक स्कूल जाना चाहे तो उसके लिए भी हमने सैनिक स्कूल के द्वार खोल दिए। बेटी अगर सेना में अफसर बनना चाहे तो तीनों सेनाओं में हमने बेटियों के लिए रास्ते बना दिए। बेटी को रसोई में लकड़ी का धुआं ना सहना पड़े, इसके लिए उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया। बेटी को पानी के इंतजाम के में परेशान न होना पड़े, इसके लिए हमने हर घर पाइप से पानी देने की योजना को आरंभ कर दिया। बेटी को अंधेरे में ना रहना पड़े, इसके लिए हमने सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। बेटी पैसे की कमी की वजह से अपनी बीमारी छिपाए नहीं, इसलिए हमने उसे आयुष्मान कार्ड की ताकत दी। बेटी का घर की संपत्ति घर पर भी अधिकार हो, इसके लिए पीएम आवास के घरों में से उसे संयुक्त भागीदारी दी। बेटी के नाम पर मकान देने का निर्णय किया। माताओं बहनों, बेटियों के लिए ऐसे ही काम ये डबल इंजन सरकार करती है, करती रहेगी।